अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। आपने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि जब एक मीडियम के अंदर एक पार्टिकल के ऊपर मोर देन वन वेव्स जब जो है ना वो आती हैं, तो वो पार्टिकल दोनों वेव्स को के लिए रिस्पॉन्ड करता है, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आता है। और यहाँ पर फिर कुछ बातें सीखी थी कि अगर दोनों वेव्स ऐड होती हैं यानी सुपरपोज होती हैं, तो अगर तो इन फेस है मीन क्रॉस क्रॉस पे फॉल करता है और ट्रफ ट्रफ पे फॉल करता है, तो डेफिनेटली उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आएगा। और इसमें देखें, यहाँ पर यहाँ देखें जो दो वेव सुपरपोज हो रही हैं, दोनों आउट ऑफ फेस हैं, क्रस्ट जो है ट्रफ पे फॉल कर रहा है, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगी, तो वो पार्टिकल जो है ना किसी किस्म की मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो इस तरह ओवरलैप होंगी तो डेफिनेटली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो ये सुपरपोजिशन आपने सीखा था। अब इसके तीन फिनोमिना से हमने कहा था, जब वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी की होंगी, सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी, और अगर दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स सेम मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो सुपरपोज होने पे बीट्स प्रोड्यूस करती हैं, और अगर टू इक्वल फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उससे जो है ना वो स्टेशनरी वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। तो अब आज देखेंगे इंटरफेरेंस क्या होगा। लेकिन इंटरफेरेंस जो है वो सुपरपोजिशन का ही फिनोमिना है। इसमें कंडीशन यही है कि दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम हो और सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में, तो सुपरपोज होंगी तो इंटरफेरेंस करेंगी। और इंटरफेरेंस जो है ना दो तरह से होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले तो डेफिनेशन देखिए, सुपरपोजिशन यानी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव द सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग द सेम फेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब वो इन फेस मीट करेंगी, एक दूसरे का इफेक्ट इन्हांस करेंगी, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जो सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग ऑपोजिट फेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे अभी आपने यहाँ देखा था, और ऑपोजिट फेस से मिलती हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करती हैं, और एज ए रिजल्ट जो है वो रिजल्टेंट वेव जो है ना वो जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पार्टिकल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया जिसकी मदद से आप इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूँ सिंपल सी, तो फर्ज करें ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर हम इन केस ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट में डिफरेंट जो कलर्स हैं, हर कलर अपने कलर के साथ ही जो है ना वो इंटरफेरेंस कर सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कलर टू कलर। अगर रेड कलर तो रेड के साथ ही वो इंटरफेरेंस करेगा, ब्लू कलर तो ब्लू के साथ ही करेगा। तो अगर यानी कि लाइट की हम बात करते हैं, तो लाइट अगर लाइट के साथ सुपरपोज होगी, अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है तो वो डेफिनेटली ब्राइट स्पॉट बनेगा। और जहाँ अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का दो सोर्सेज से जो लाइट इमिट हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ डार्क स्पॉट बनेगा। और अगर ये साउंड वेव्स हैं तो डेफिनेटली जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी साउंड वेव्स, साउंड प्लस साउंड जो है वो लाउड साउंड आ जाएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो लाउड साउंड प्लस साउंड फेड साउंड यानी कि या फिर नो साउंड साइलेंस होगी। तो अब यहाँ पर यही दिखाया गया है कि हमने दो एक जैसी वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए क्या किया है कि एक पावर एम्पलीफायर के साथ जो है वो हमने ऑडियो जनरेटर लगाया है, और उसके साथ दो स्पीकर अटैच कर दिए हैं। जैसे घर में आप एक देखते हैं वूफर होता है एम्पलीफायर, उसके साथ दो स्पीकर लगाते हैं, उसी तरह अब ये दोनों स्पीकर सेम है, एक ही ऑडियो एम्पलीफायर से अटैच है, तो पावर एम्पलीफायर से, तो डेफिनेटली दोनों की आउटपुट एक जैसी होगी। अब दोनों जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगी वो साउंड वेव्स, वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड एयर फ्रिक्शन जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर देखें जो कॉन्टीन्यूस लाइन है जो वो कंप्रेशन को शो कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो एयर फ्रिक्शन को शो करती है। फिर आपको पता है कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन का जो फासला है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं P1, P2, P3, P4 और P5, और कहा गया है इन पॉइंट्स पे कुछ पे जो दोनों वेव सुपरपोज हो रही हैं वो कुछ पॉइंट्स पे इन फेस हैं और कुछ पॉइंट्स पे वो आउट ऑफ फेस हैं। तो P1, P3, P5 के ऊपर जो हैं वो इन फेस हैं, और वहाँ पर जो साउंड है वो लाउड प्रोड्यूस होगा। वहाँ माइक प्लेस कर दें, उस माइक का जो आउटपुट है वो CRO से जोड़ दें, तो CRO जो है वो आपकी उस साउंड को स्क्रीन के ऊपर वेव फॉर्म में जो है शो कर देगी। तो यहाँ देखें ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे यानी P1, P3, P5 के ऊपर, वहाँ देखें आउटपुट CRO इस तरह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ शो कर रही है। जबकि अगर बात करें हम पॉइंट टू और पॉइंट P2 और P4 की, वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं CRO शो कर रहा है। इट मींस कि वहाँ जो वेव्स सुपरपोज हो रही हैं वो आउट ऑफ फेस है, मतलब वहाँ कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिल रहा है,
और एयर फैक्शन कंप्रेशन से मिल रहा है, जबकि जो P1 P3 P5 थी वहाँ पर कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलेगा, रेयर फैक्शन से मीट करेगा तो डेफिनेटली वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इनमें यह है कि ये जो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीडियम के अंदर, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर दोनों जो वेव्स पहुँचती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं, ये जो देखें पहला जो लाइन है कंटिन्यूस कंप्रेशन, उससे अगला कंप्रेशन ये 1 वेवलेंथ यहाँ तक, उससे अगला कंप्रेशन 2 वेवलेंथ, अगला 3 वेवलेंथ, इस तरह जहाँ पॉइंट होगा वहाँ तक आप उसको काउंट करें, फिर दूसरी जो सोर्स है उससे भी उस पॉइंट तक आइए, दोनों का जो वेव है वेवलेंथ है वो मेजर कीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए वो क्या हैं। देखिए आपने सिंपली कह दिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो तब होगा जब वो इन फेज होंगे, तो आपने पॉइंट्स ऑन वेव इन फेज पढ़ा था जिनका पावर डिफरेंस जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है डेफिनेटली वो इन फेज होते हैं। पूरी वेव का जब डिफरेंस आएगा इंटीग्रल मल्टीपल साथ जो भी नंबर जो भी हो साथ, तो डेफिनेटली जो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा और ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा डेफिनेटली एक दूसरे का फैक्टर वो इन्हांस करेंगे। यहाँ देखें जैसे डेल्टा एस ये 2 पॉइंट्स का दिखाया हुआ है P1 के ऊपर, P1 पे जो है सोर्स 2 से यानी कि रे आएगी S2P1 उसका डिस्टेंस होगा और सोर्स 1 से जो आएगी S1P1 होगा, तो इसका 4.5 लैम्डा बनता है और इसका 3.5 लैम्डा बनता है, तो इनका पार्ट डिफरेंस लेंगे तो लैम्डा के बराबर आएगा। इस तरह बाकी जो P3 P5 हैं अगर उनसे भी आप लेंगे तो वहाँ -लैम्डा या 0 यानी या 2 लैम्डा इस तरह के जो है ना वो आएगी यानी पार्ट डिफरेंस आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यानी जनरली अगर बात करें डेल्टा एस जो होगा वो एन लैम्डा के बराबर होगा, एन जो है वो 0 ± 1 ± 2 एंड अप टू सोन एन तक होगा। तो जब भी दो किसी भी एक मीडियम के अंदर जहाँ दो वेव्स मीट कर रही हों अगर उनका पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर है डेफिनेटली वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये याद रखना है। उसके बाद पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे है, देखें पार्ट डिफरेंस जो है वो अगर ओड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आएगा यानी क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा हो ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा हो डेफिनेटली एक दूसरे का फैक्टर वो कैंसिल आउट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट जो है वो डार्क स्पॉट बनेगा या साइलेंस इन केस ऑफ साउंड वेव्स। तो यहाँ देखें P2 की बात की गई है, S2P2 यानी सोर्स 2 से P2 तक जो वेव आई और S1P2 इसका मतलब सोर्स 1 से जो P2 तक वेव आई, दोनों का वेवलेंथ कैलकुलेट किया, इसका 4 लैम्डा आया उसका 3.5 लैम्डा था, इसको आप माइनस करेंगे तो 0.5 लैम्डा बचता है। इस तरह बाकी भी P4 पे भी चेक करेंगे -0.5 लैम्डा बचता है। तो आप जब भी इसी तरह के पॉइंट्स होंगे जो आउट ऑफ फेस हों तो उनका पार्ट डिफरेंस हमेशा ओड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आता है यानी 2n+1 लैम्डा/2। एन की जगह 0 पुट करें देखें आप 1 लैम्डा/2 आ जाएगा, एन की जगह 1 पुट करें 3 लैम्डा/2 आ जाएगा, 2 पुट करें 5 लैम्डा/2, इस तरह आप 2 से 7 लैम्डा/2 ओड एंड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल जब भी आएगा पार्ट डिफरेंस होगा डेफिनेटली वहाँ पर जो वेव्स हैं वो इस तरह मीट करती हैं कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करती हैं, तो मीडियम के अंदर जो पार्टिकल है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, 0 डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो इसका बीट्स का है, उसमें आप सीखेंगे कि जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स मीट करती हैं तो बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अल्लाह हाफिज़।